तो दोस्तों आज स्मैकडाउन में हमें ब्लड लाइन का एक बैक स्टेज प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या क्या बातें हुई, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहले जिमी उस बिल्डिंग में एंटर कर ही रहे थे कि तभी रिपोर्टर उससे इंटरव्यू लेते हैं। वो कहते हैं कि काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आखिर ब्लड लाइन में हो क्या रहा है और क्या तुम्हारे एलिमिनेशन चैम्बर के बाद जो उससे बात हुई। जिमी कहते हैं कि नहीं, अभी मेरे अपने भाई से कोई भी बात नहीं हुआ। मैंने उसे कॉल किया और वॉइस मैसेज किया कि वो मुझे रिंग के बीचों बीच मिल सकता है। मैंने उससे यह कहा था कि उसे जो भी कहना होगा वो मेरे फेस पर कहे। इतना कहते हैं जिमी उसे वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिमी उसे सोलो सुकवा और पॉल हेमन बैक स्टेज बैठे होते हैं। जिमी कहते हैं कि कुछ हफ्तों पहले हमने उन टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड किया था और तब मुझे पूरा यकीन था कि जे उसे वहां जरूर होगा, लेकिन मॉन्ट्रियल के बाद से मुझे नहीं पता और इस पूरी सेमी वाली चीज सब कुछ खराब कर दिया। और पॉल हेमन कहते हैं कि यही बात है तो क्यों ना सोलो मेरे साथ यहां बैक स्टेज रहे और तुम अकेले रिंग में जाओ और जे उसे को फेस टू फेस हैंडल करो और तुम भाई से भाई की तरह अकेले बात करो। इसके बाद जिमी कहते हैं कि चलो ठीक है और वो अकेले जाने के लिए मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम फिर से ब्लड लाइन को बैक स्टेज देखते हैं, जहां पर जिमी उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि वह जरूर आएगा, जैसे कि वह हमारे चैंपियनशिप वाले मैच में आया था और मैं उसे आमने सामने आकर समझाऊंगा। तभी पॉल हेमन अपना फोन दिखाकर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम यह कर पाओगे क्योंकि मुझे रोमन रेंस की तरफ से एक टेक्स्ट आया है और वो नेक्स्ट वीक यहाँ पर होने वाला है और वो जानना चाहता है कि तुमने जे को हैंडल कर लिया, नहीं तो ट्रैवल चीफ को जे उसे को हैंडल करना पड़ेगा, वो भी तुम्हारे लिए और वो भी बहुत ज्यादा पर्सनली। इतना कहते ही पॉल हेमन वहां से चले जाते हैं और यह बैक स्टेज सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।